क्या देश में महंगाई कम हो गई है? क्या मणिपुर में शांति हो गई है? क्या देश में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या देश में रोजगार की समस्या एकदम खत्म हो गई है? ये सवाल आज की तारीख में हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि मोदी राज गोदी मीडिया ने सारी हदों को पार कर दिया है। जहां एक और एक के बाद एक करके महंगाई के झटके सरकार जनता को दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर सिलेंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। और दूसरी ओर की बात करें तो गोदी मीडिया भी कम नहीं है, इन खबरों को चलाने के बजाय क्या कुछ चला रही है। सीमा हैदर का करवा चौथ मना रही है गोदी मीडिया। लाख कोशिशें कर ली जाए, लेकिन गोदी मीडिया अपनी असली हकीकत और अपनी असली करतूतों से बाज नहीं आने वाली। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटता है गोदी मीडिया, तो कभी सीमा हैदर को लेकर पूरा प्रोपोगंडा फैलाने लग जाता है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है, सचिन ने गाना गाया, सीमा ने खाना खाया, सीमा झूम कर नाची, सीमा ने साड़ी पहनी, सीमा नाचते गिर पड़ी। सोचिए आज की तारीख में गोदी मीडिया के पत्रकार किस हद की गिरी हुई पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन अब सीमा और सचिन और गोदी मीडिया के खिलाफ लोगों का ऐसा गुस्सा फूटा है जिसे जानकर और देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या कुछ हुआ है पूरी जानकारी आपको सिलसिलेवार तरीके से देंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि गोदी मीडिया का जो असली चेहरा है ना, आप सभी के सामने आ जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का सोशल न्यूज में, और मैं हूँ आपके साथ फराह खान। गोदी मीडिया ने सारी हदों को पार कर दिया है। सीमा के चक्कर में देश के असल मुद्दों को पूरी तरह से भूल चुकी है ये गोदी मीडिया, जिसकी तस्वीरें करवा चौथ वाले दिन देखने को मिली, जब गोदी मीडिया ने देश के सारे मुद्दों को छोड़कर, सारे मुद्दों को भूलकर ये दिखाना शुरू कर दिया कि सीमा ने करवा चौथ कैसे मनाया। उसने डांस किया, सचिन ने मंगलसूत्र पहनाया, ऐसी तमाम तरह की बातें मीडिया ने चलाई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा है, जिसके बारे में आपको बताते रहे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले क्या था मामला, पूरी जानकारी आपको एक खबर के मुताबिक देने की कोशिश करते हैं। एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान से भारत आई सीमा ने अपना पहला करवा चौथ का त्यौहार मनाया। सोशल मीडिया पर सीमा और सचिन का वीडियो वायरल हो रहा है, और ये वही वीडियो है जो गोदी मीडिया ने उनके घर जाकर खुद बनाया। इसमें सचिन पत्नी सीमा को मंगलसूत्र पहनाता नजर आ रहा है। सीमा बहुत खुश भी नजर आ रही है। लहंगा पहनी हुई सीमा बहुत ही खूबसूरत लग रही है। चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते यूपी से नोएडा पहुंची पाकिस्तानी महिला ने पति सचिन के लिए अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखा। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि किसने किसके लिए व्रत रखा है, सीमा क्या कर रही है, सीमा क्या नहीं कर रही? लेकिन ये सब सोशल मीडिया पर चल रहा है, और इसकी तस्वीरें किसने ली है? गोदी मीडिया ने। सीमा और सचिन एक दूसरे के पास खड़े नजर आ रहे हैं, और सीमा ने डार्क पिंक जो है कलर की साड़ी पहन रखी है। वहीं सचिन जो है सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सचिन पत्नी सीमा के गले में मंगलसूत्र पहनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं सीमा पति सचिन को गालों पर जो है हाथ लगाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद वो सचिन के पैर भी छूकर आशीर्वाद लेती हैं। कैमरे में ये सारा नजारा जो है कैद हो गया। बहुत खुश नजर आ रहे हैं लोग, और कमरे में जो लोग हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं सचिन और सीमा के चेहरे पर भी आप खुशी साफ साफ देख सकते हैं। सीमा का ये पहला करवा चौथ था, ये सब किसने दिखाया? गोदी मीडिया ने। यानी गोदी मीडिया इतना गिर चुकी है कि सीमा और हैदर क्या कर रहे हैं, उनका पर्सनल स्पेस क्या है, वो नाच रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये तमाम तरह की बातें गोदी मीडिया दिखा रही है। लेकिन जो असली मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, कि कितना विकास हुआ है, कितनी नौकरियां मिली हैं, कितने घर मिले हैं, ये सब मुद्दों को भटकाने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा की जा रही है। असल मुद्दों पर तो ये लोग सवाल नहीं कर सकते, लेकिन क्या दिखा रहे हैं आप इनकी पत्रकारिता को देखकर समझ सकते हैं गोदी मीडिया वालों का स्तर कितना गिर चुका है। सारी ब्रेकिंग न्यूज अब ये निकल कर सामने आ रही है कि इनकी ब्रेकिंग्स में अब क्या चल रहा है, जो असल मुद्दे चलने चाहिए वहां से ये लोग भटक चुके हैं। एक और अन्य यूजर ने लिखा है, जिन्हें शादी के लिए पंडित ना मिले कृपया वो अनोखा करें, ताकि न्यूज रिपोर्टर्स आके शादी के लिए मंत्र पढ़कर अपनी दोहरी जिम्मेदारी पूरी कर सके। यानी पत्रकार का काम क्या होता है? सरकार से सवाल करना, सीधे तौर पर जमीनी मुद्दे उठाना। लेकिन यहाँ गोदी मीडिया पत्रकार क्या कर रहे हैं, सारा सच आपके सामने है, इनकी असलियत आपके सामने है। गोदी मीडिया का सारा कलई जो है अब खुलकर सामने आ रही है। जो मुद्दे
बोलने चाहिए, लोगों के सामने रखने चाहिए, जनता के सवाल जमीनी स्तर के जो है जो करने चाहिए सरकार से, वो गोदी मीडिया सिरे से नकारती हुई नजर आ रही है। और आप समझिए कि गोदी मीडिया किस तरीके से अपनी मोदी भक्ति और चाटुकारिता करने में लीन है। आप किस खबर को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।